नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डीवी बड़ा मंडी चैनल पर। आपके सामने एक नई खबर के साथ आपको बता दें, गौतम अदानी ने दान के 60,000 करोड़ रुपए सामाजिक कार्यों के जरिए मनाया गया अपना 60वां जन्मदिन। अदानी ग्रुप की ओर से जन कल्याण के लिए 60,000 करोड़ रुपए का दान देने पर देश में बड़े दानवीर के रूप में मशहूर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के चेयरमैन अजीम प्रेम जी ने अदानी ग्रुप की ओर से किए गए इस दान को महान बताया। जी आपको बता दें कि एशिया के सबसे अमीर कारोबारी गौतम अदानी के 60वें जन्मदिन पर उनके परिवार वालों ने सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपए दान किए। दान में दी गई इस राशि का प्रबंधन अदानी फाउंडेशन देखेगी। जी आपको बता दें, अदानी के जन्मदिन पर दी गई यह दान राशि स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और कौशल विकास के कार्यों पर खर्च की जाएगी। यह बात गुरुवार को अदानी ने ब्लूमबर्ग से बातचीत में खुद कही। इस बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय में कॉरपोरेट कंपनियों के इतिहास में किसी फाउंडेशन को दिया गया यह अब तक का सबसे बड़ा दान है। जी आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि इस दान से ग्रुप ने उनके पिता शांतिलाल अदानी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें सम्मान दिया। जी आपको बता दें कि इस विषय पर अदानी ग्रुप की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के पूरे डेमोग्राफिक एडवांटेज का देश के विकास में समुचित इस्तेमाल करने के लिए देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में सही ढंग से काम नहीं होने के कारण ये कारण कारक आत्मनिर्भर भारत की राह में रोड़ा बन रहे हैं। अदानी ग्रुप की ओर से कहा गया है कि अदानी फाउंडेशन के पास इन उपरोक्त सभी क्षेत्रों में ग्राउंड लेवल पर जन कल्याणकारी कार्य करने का पर्याप्त अनुभव। ऐसे में उनके प्रबंधन में इस राशि को खर्च कर देश में भविष्य के वर्कफोर्स को समृद्धि करने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप की ओर से जन कल्याण के लिए 60,000 करोड़ रुपए का दान देने पर देश में बड़े दानवीर के रूप में मशहूर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के चेयरमैन अजीम प्रेम जी ने अदानी ग्रुप की ओर से किए गए इस दान को महान बताया। उन्होंने कहा कि यह अदानी और उनके परिवार की जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जी आपको बता दें कि ऐसे कदम देश के विकास के लिए महात्मा गांधी की ओर से सुझाए गए संपत्ति की ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की को और मजबूत बनाते हैं। उन्होंने कहा कि देश की संभावनाएं और चुनौतियां इस बात की मांग करती है कि हम सभी मिलकर देश में धन, क्षेत्र, धर्म, जाति और अन्य चीजों में एकरूपता लाने का